थोड़े आपको एक पता भी होगा तो रिपीटेशन हो जाएगा, पता नहीं होगा तो नई जानकारी हो जाएगी। एक प्रयास ऐसा चलता है कि अपने धर्म ग्रंथों में जो बातें कही हुई है अपन यदि थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो हमें एक बात ध्यान में आएगी कि सबके पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण है, केवल एक मान्यता के रूप में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। अपने जितने भी रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू करेंगे तो एक बात धीरे धीरे हमको ध्यान में आती जाएगी। तो भारत में इस प्रकार के संस्थाएं रहती है कि जो अपने परंपराएं, मान्यताएं, धर्म, संस्कृति, इसके अंतर्गत जो जो चीजें आती है उसके पीछे व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, इसके बारे में प्रबोधन की व्यवस्था रहती है। लेकिन अब ये विषय बड़ा गहन गंभीर इस रूप का नहीं है। जिस आयु वर्ग के बच्चों को बुलाया जाएगा, मान लीजिए 10-12 वर्ष के आयु के बच्चों को बुलाते तो उनकी समझ का स्तर क्या है इसको ध्यान में रखते हुए उनके सामने विषय रखा जाता ताकि उन्हें वो इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन खास करके थोड़ा टीन एज के बाद हम लोग एक बार ध्यान में आती होगी, परिवार चलते, मैं भी परिवार चलाने वाला हूं, मैं जानता हूं कि छोटी आयु का टीन एज से पहले की आयु होती है तो साधारणतः घर के बड़े लोग जो कहते हैं वो मानने की प्रवृत्ति रहती है। आजकल वो कम होती जा रही है, मैं देख रहा हूं कुछ माताएं थोड़ा सा अलग नजर से मुझे देख रही है कि इनको पता नहीं क्या कि नई पीढ़ी कैसी है। मैं भी जानता हूं, फिर भी काफी हद तक उस छोटी आयु में घर के लोग जैसा कहते हैं वैसा मानने की प्रवृत्ति रहती है। थोड़ा सा आजकल उस आयु में भी वो कारण जरूर पूछने लगे हैं और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। यदि हमने कहा कि नहीं ऐसा करो, उसका प्रश्न जरूर रहेगा क्यों करना। ऐसा प्रश्न अपने को अपने घर में किसी बालक बालिका ने किया हुआ है क्या? अपने में से कितनों को ऐसा प्रश्न जब वे बड़े हो रहे थे हमने कहा कि ऐसा करना और उसने पूछा ऐसा क्यों करना, ऐसा अनुभव अपने में से किस किस को आया है? मुझे तो आया है, आप लोगों को? सबको है सर। अपने में से मेरे ख्याल से सबको आया होगा, ये भी पूछने की बात है। अब प्रश्न ये आता है, अब इसमें हमारी भूमिका थोड़ी सी बढ़ती है। वो एक संस्था चलाती वो तो एक आध दिन करेंगे ना, हर रोज तो नहीं करेंगे कि वैज्ञानिक कारण बता दिया तो रोज की क्लास तो नहीं लग सकती, तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार इस प्रकार के आयोजन होते हैं। लेकिन बच्चे की ये जो क्यूरियोसिटी है क्यों, ये तो हमेशा है, तो बच्चा हमारे साथ है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ी हो रही है, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। मैं दो तरीके बताता हूं, दो तरीके। पहला तरीका, और उसका मैं कारण भी बताऊंगा, पहला तरीका रहता है तुमको बताया ना ऐसा करना है, करो, ज्यादा पूछना मत। एक तरीका अधिकांश बार इसका कारण यह रहता है कि मैं खुद वो कारण जानता नहीं हूं या मैं खुद वो कारण जानती नहीं हूं, और बेटे ने पूछ लिया, बेटी ने पूछ लिया, अब मैं जवाब क्या दूं क्योंकि मुझे कारण नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसको चुप करने के लिए छोटी आयु का है डांट डपट नहीं लेकिन अन्य तरीकों से मैं उसको कहता हूं पूछो मत, बताया गया उतना करो प्लीज। एक ये तरीका हो गया जो सबसे सरल है, हर कोई कर सकता है। लेकिन दूसरा जो तरीका है, क्या हम इस प्रकार की जो क्वेरीज उनकी रहती है यदि हम जानते हैं और फिर भी नहीं बता रहे थे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यदि हम जानते हैं तो बताना, उसे समझ में आए इतना बताना, ये तो समझ में आता है। कोई बड़ी भारी थ्योरी उसके पीछे है वो बता दी उसका कोई मतलब नहीं, उसे समझ में आ जाए, उसे जच जाए
उसकी आयु के हिसाब से, तो हम ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न तब आता है कि जब मुझे नहीं मालूम तब क्या करना है। साधारणतः ऐसे समय क्या हम, जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हर आयु में सीखा जाता है, अब मैं बड़ी हो गई, बड़ा हो गया, अब मेरे की सीखने की उम्र समाप्त तो हो गई, क्योंकि मैं, मेरा स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन समाप्त तो हो गया, तो मेरा एजुकेशन समाप्त तो हो गया, मेरा सीखना समाप्त तो हो गया, ये सोचने की कतई आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी भर व्यक्ति सीखता है, सीख सकता है, सीखना चाहिए। तो बेटे ने, बेटी ने मुझे प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों करना, मुझे उत्तर नहीं मालूम। ठीक है, उसका जैसा समाधान करना, टेम्पररी समाधान हमने कर दिया, लेकिन अब मैंने जानने का प्रयास करना चाहिए कि वैसा क्यों किया जाता है। ये थोड़ा कठिन काम है लेकिन करना पड़े, क्योंकि वो और उस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे नई पीढ़ी के मन में आएंगे। और इतना तो मुझे अधिक अनुभव है, मैं बता सकता हूं कि 10-12 वर्ष की आयु तक तो इस प्रकार से की बातों से वो बहल जाता था, लेकिन जैसे 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 उसकी टीन एज, एक स्पेसिफिक एज है, जैसे टीनेज प्रारंभ होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीनेज प्रारंभ हो गए और बाद में युवा बनता है, युवती बनती है, तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग को जचे ऐसी बात यदि है तो मानेंगे, दिमाग को नहीं जचता तो नहीं मानेंगे। जब तक माता पिता का उस प्रकार का दबाव है या उस प्रकार का अपने साथ संबंध है तब तक तो करेगा, लेकिन जैसे ही, अब जिंदगी भर तो हमारे सहारे नहीं रहने वाला है, हमारी जो अगली पीढ़ी है जिंदगी भर हमारे सहारे रहने वाली है क्या? कतई नहीं। हमारे संबंध रहेंगे लेकिन हमारे सहारे नहीं रहेंगे, उनका अपना व्यक्तित्व रहेगा, उनकी अपनी सोच रहेगी, उनके अपने विचार रहेंगे, तो उन विचारों में यदि उसे वो बात जच रही है तो वो करेगा, मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। हम भले ही कहें कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, इसलिए मानो, वो नहीं मानेगा। ऐसा मुझे कारण बताओ, कोई प्रत्यक्ष ब्लंटली ये बोलेगा, कोई प्रत्यक्ष ब्लंटली नहीं बोलेगा, लेकिन मन में यही बोलेगा, क्यों करी, क्या कारण है? तो अब जब हम अपने धर्म संस्कृति का विचार करना शुरू करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि सारी बातों के पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन है। मोस्ट ऑफ देम आर साइंटिफिक रीजंस, समाज सोशल रीजंस आल्सो, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर साइंटिफिक रीजंस, हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए शिक्षक के लिए कहा जाता है कि विद्यार्थी प्रश्न पूछे उसको उसने सही उत्तर देना, ये अच्छा शिक्षक है। बहुत अच्छा शिक्षक किसे माना जाता है? कि जो एंटीसिपेट करता है, यानी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने से पहले ही वो एंटीसिपेट कर लेता है कि ये 5 प्रश्न है, ये 10 प्रश्न है, ये इस विषय को रखेंगे तब पूछे जा सकते हैं, किसी ने पूछा नहीं है, एंटीसिपेट करके उन प्रश्नों के उत्तर पहले से खोज के रखना। ये जैसे अच्छे शिक्षक की बात मानी जाती है तो अच्छे माता पिता की भी ये बात रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि सर्वाधिक संस्कार देने का दायित्व किसका है? माता पिता का है। सबसे अधिक निकटतम, सबसे अधिक समय तक माता पिता ही बच्चे के साथ रहते हैं, 3 पीढ़ियां जहां है वहां पर भी सर्वाधिक बड़ा दायित्व माता पिता का है, दादा दादी का उसके बाद है, सप्लीमेंट्री के रूप में है। आजकल कई बार क्या होता है कि माता पिता के पास समय नहीं है, इसलिए वो इस दायित्व को पूरी तरह से, यदि अपने सास ससुर या माता पिता, अपने माता पिता यदि अपने साथ में है, सौभाग्य चलिए हम लोग वैसे, तो उन पर सौंप देते कि वे हैं, वे सब संभाल लेंगे। थोड़ा सा इस बात से बचने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा माता पिता होने के नाते कुछ दायित्व है, तो खास करके इस प्रकार के साइंटिफिक रीजंस क्या क्या है
मैं सैंपल के रूप में एक दो चीजें केवल बता सकता हूं, लेकिन ऐसी देर आर अम्टीन सब चीजें, सैकड़ों ऐसी चीजें हैं अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने परंपरा, अपनी मान्यता, अपने रीति रिवाज, इनका हिसाब लगाना शुरू करेंगे तो सैकड़ों ऐसी चीजें हैं कि जिसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस हैं। दिक्कत यह कि हम लोगों को कारण नहीं पता, हम भी उसी प्रकार के इसमें बड़े हुए हैं ना कि बताया गया वो करना, क्यों करना नहीं पता, करते जाना तो रिचुअल के रूप में हम करने लगते हैं। रिचुअल अलग चीज है, लेकिन रिचुअल के पीछे का भाव समझते हुए रिचुअल करना वो अधिक अच्छा रहता। तो नई पीढ़ी और खास करके आप लोग जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है कि पिछली नई पीढ़ी और वर्तमान की नई पीढ़ी, इसमें बहुत अंतर आया है। देयर आर मेनी रीजंस, क्योंकि उनको एक तो दुनिया भर का एक्सपोजर बहुत छोटी आयु में मिल जाता है। आज 3 साल का बच्चा, यानी मेरा पोता है, अब वो 4 साल का है, मेरे से अच्छा वो मोबाइल जानता है 4 वर्ष का। आपके घर में भी ऐसे हम लोग होंगे, कंप्यूटर, वो 5 साल का बच्चा कंप्यूटर खटाखट सब जान लेता है। तो एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा जानते हैं, तब तो माता पिता को और अधिक सुयोग्य होने की आवश्यकता है। यदि ऐसा वातावरण होता, ऐसा समय होता कि बच्चों को ज्यादा जानकारी मिल ही नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत जानते हैं उसके आधार पर उसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन अब बच्चों के सामने तमाम बातें हैं। और ऐसे बच्चों का विकास तो हमें करना है, अपने बच्चे हैं, विकास तो करना है, उन्हें अच्छा इंसान तो बनाना है, तो उनकी ये जो क्यूरियोसिटीज होती है उसको एंटिसिपेट करते हुए। तो एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, कोई धार्मिक रीति रिवाज है, ऐसा करना, क्यों करना। तो इन क्यों के पीछे के कारण हम जितने ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। मैं सैंपल के रूप में आपको एक दो चीजें, मेरी नजर घड़ी पे है, चिंता न करें, सैंपल के रूप में एक दो चीजें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। थोड़ा थोड़ा सा बड़ी आयु का 15-16-17 आयु का लड़का या लड़की, अब वो बहुत सारी साइंस रिलेटेड चीजें भी जानता है। व्हाट इज दिस यूनिवर्स वो जानता है, ये यूनिवर्स कैसे उत्पन्न हुआ वो जानता है, आगे इस यूनिवर्स का क्या होने वाला वो जानता है, क्योंकि उसको उस प्रकार की चीजें बताई जाती है और वो आजकल इंटरनेट वगैरह के माध्यम से बहुत सारी चीजों को स्वयं जान लेता है। अब हमारी जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को हम किस बात का प्रतीक मानते हैं, सृष्टि निर्माता। विष्णु को किस बात का प्रतीक मानते हैं, सृष्टि का पालन करता। शिव को किस बात का प्रतीक मानते हैं, संहार करता, यानी निर्माता, पालक, संहार। अब ये सारी सृष्टि का जो क्रम है वो क्या है, सृष्टि उत्पन्न हो, बिग बैंग, बच्चा जानता है बिग बैंग थ्योरी, वो जानता है, शायद हम लोग भी जानते होंगे, वो जानता है या वो जानती है, 15-16 साल की है, उसने देखा है, जानते हैं बिग बैंग हुआ तो सृष्टि उत्पन्न हुई, कितने करोड़ 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 वर्ष पहले हुआ ये भी वो जानता है, लेकिन क्रम क्या है, पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर यह सृष्टि चलती है, अब जो वर्षों तक चलती है, और फिर इस सारे ब्रह्मांड का विनाश होता है यह भी वो जानता है, फिर कुछ काल तक शून्य रहता है, अब ये कुछ काल यानी फिर करोड़ों 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 वर्ष हो जाते हैं, ये जो ब्रह्मांड से संबंधित काल है वो मनुष्य के काल की कल्पना के बहुत परे है, लेकिन ये वो जानता है। और फिर दोबारा जब सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है, फिर से सृष्टि उत्पन्न होगी, तब का ब्रह्मांड, फिर उसके बाद में वो ब्रह्मांड वो भी चलेगा, तो कोई ना कोई उसको चलाने वाला होना, पालन करने वाला होना, और फिर उस सृष्टि का भी विनाश होगा। तो ऐसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, उनका विकास और उनका विनाश, ये सृष्टि का क्रम है। अब यही क्रम हमारे
इन देवी देवी देवताओं के प्रतीकों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये क्रम हमने उल्टा नहीं किया है, हम ब्रह्मा महेश विष्णु ऐसा भी कर सकते हैं, विष्णु महेश ब्रह्मा ऐसा भी कर सकते, तीन है, त्रिमूर्ति है, चाहे जिस क्रम में ले लो, हो सकता था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसको ध्यान में आता है, अपने यहां एक मंत्र है जिसमें कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसमें वह प्रारंभ में उसका जाप किया जाता है। हम लोगों को जो रिचुअलिस्टिक आदतें लग गई है उसमें जो श्लोक आता है, अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे वगैरह, किस प्रकार का पंडित जी बोलता है हम दोहराते हैं। आजकल एक और हो गया है कि पंडित जी बोलेगा हम केवल सुनेंगे, हमने बोला ऐसा मान लिया जाएगा, जहां उसने स्वाहा कहा वहां स्वाहा कर दिया, काम हो गया। ये हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं कहीं ना कहीं। अब ये अद्य ब्रह्मणे यानी आज का ब्रह्मा, क्या अर्थ है इसका? किस सृष्टि का निर्माता आज का, मतलब क्या है? पहले का भी कोई सृष्टि का निर्माता? यह सृष्टि आज जो चल रही है ब्रह्मांड की, यह पहले भी चलती थी, उसका कोई और निर्माता था, इसलिए आज का ब्रह्मा अद्य ब्रह्मणे। कितनी बारीकी की बात है, कितनी साइंटिफिक बात है। द्वितीय परार्धे, इस सारे वर्तमान ब्रह्मांड की आयु कितनी है, उसका आधा काल बीत चुका है। हमारे मंत्र में आता है द्वितीय परार्धे, आधा हिस्सा हो चुका है, अब दूसरा आधा हिस्सा प्रारंभ हुआ है। अब ये सारी बात, और फिर जो मनवंतर कल्प ये सारे शब्द प्रयोग आए हैं, इसका साइंटिफिक मीनिंग है, साइंटिफिक मीनिंग है। और एक बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ हो गया ब्रह्मांड वैज्ञानिक कार्ल सेगन नाम का, उस कार्ल सेगन ने भारत के लोगों के द्वारा जो पंचांग और ऐसे श्लोक वगैरह बनाए गए हैं इनका अध्ययन किया, और उसमें वो कहता है कि जो इनकी कल्प की कल्पना है, कल्प यानी कितने वर्षों का, मनवंतर कितने वर्षों का, कलयुग कितने वर्षों का, ये अपने सारे इसमें है, अपने धर्म ग्रंथों में इनका काल दिया हुआ है कि मनवंतर कितना है, कल्प कितना है, कलयुग कितना है, द्वापर कितना है, त्रेता कितना है, सारा कैलकुलेशन है, स्पेसिफिक फिगर दिए हुए हैं। और वो कार्ल सेगन कहता है ये सारी बातें जो आज का विज्ञान जिसको स्वीकार करता है उससे अत्यंत निकट है। जैसे हमने कल्प कितने वर्षों का है ये वर्कआउट करके आंकड़ा लिखा हुआ है, और आज वो कल्प कितने वर्ष का होगा यह भी साइंटिफिकली एस्टेब्लिश है। और ऐसे सारी बातें वो कहता है, इट इज अ ग्रेट कोइंसिडेंस दैट एवरीथिंग मैचेस विद द टुडे साइंटिफिक रियलिटी। वो कहता है इट इज अ ग्रेट कोइंसिडेंस, लेकिन जरा विचार करें, कोई एक बात में कोइंसिडेंस हो सकता है, किन्हीं दो बातों में कोइंसिडेंस हो सकता है, 50 बातों में कोइंसिडेंस होगा, इज इट पॉसिबल? मतलब क्या है कि हमारे पूर्वज ये सारी वैज्ञानिक बातें जानते थे और उनको किसी ना किसी रूप में अपने रिचुअल्स में ले आए हैं ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारियां बनी रहे। अभी हमारा ऐसी बारीकियां हर कोई नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता हर कोई, कुछ लोग तो होने चाहिए जिन्होंने समझना है, तो हम लोग ऐसे लोगों में से क्यों नहीं हो सकते? ऐसी जो बातें हैं अपने मान्यता धर्म इससे जुड़े हुए, जैसे दशावतार, अब दशावतारों का क्रम देखें हम अवतारों का, पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य। दूसरा अवतार कौन सा है? जरा बोलते जाए, कूर्म। तीसरा अवतार वराह। ये क्रम है, आप दसवां अवतार देख लीजिएगा। अब इनमें मत्स्य कूर्म वराह यही क्रम है, उलट पलट नहीं है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश वही क्रम है, उसका साइंटिफिक रीजन है। इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? तो ध्यान में आता है कि इस पृथ्वी पर
जो जीव सृष्टि प्रारंभ हुई राइट फ्रॉम डे वन, पृथ्वी बनी, पहले दिन से जीवन है क्या पृथ्वी पर? नहीं है। बहुत लंबा काल चला गया जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, कुछ नहीं था, यानी जीवन नहीं था। फिर जीव सृष्टि पृथ्वी पर प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जीव सृष्टि कहां पर आई? जल में आई सबसे पहले। पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। उसके बाद में जब इवोल्यूशन हुआ जीव का, जीवन का इवोल्यूशन हुआ, हजारों लाखों साल लगते हैं इस इवोल्यूशन में, लेकिन उस इवोल्यूशन में जल में जो जीवन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या थी? जल और पृथ्वी दोनों पर चल सके ऐसे जीव उत्पन्न हुए। सबसे पहले केवल जल में जीवित रहेंगे ऐसे जीव उत्पन्न हुए, मत्स्यावतार। दूसरा, जल और पृथ्वी दोनों पर जीवित रह सके ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई। दूसरा अवतार कौन सा है? कूर्मावतार। जल में भी रहता है। फिर वराह, जल में जीवित नहीं रहता, केवल पृथ्वी पर जीवित रहते, ऐसे जीवों की उत्पत्ति। जब इस नजरिए से हम अपने दशावतारों को देखेंगे तो साइंटिफिक रीजन है कि नहीं है? ठीक है, हम 8 साल के बच्चे बच्चे को नहीं बता सकते, लेकिन हमारे 20-22 साल के बच्चे को बता सकते कि नहीं बता सकते? जब उसको यह समझ में आएगा, अरे अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज कितनी साइंटिफिक है, तो हमारे कहे बगैर उसको अपने धर्म के बारे में मन में हृदय में अभिमान उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू, इसका मुझे गर्व है। अब केवल गर्व है ऐसा कहने से तो गर्व नहीं आता है। तो ऐसी जब विशेष बातें अपने धर्म से संबंधित हमको मालूम होती है, तब मन में गर्व का भाव आता है कि मैं ऐसे धर्म से जिसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। ऐसे हम खोजना शुरू करेंगे तो कितनी सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। जैसे पर्यावरण, आज सारी दुनिया पर्यावरण के विषय को लेकर कितनी चिंतित है हमें बताने की आवश्यकता है। और पर्यावरण में क्या आता है? समस्त जीवों के प्रति अपनत्व का भाव यदि नहीं हुआ तो मानव के द्वारा विनाश ही होना है, जो आज हो रहा है समस्त जीव सृष्टि के प्रति। और केवल समस्त जीव सृष्टि के प्रति नहीं, अपने यहां तो चर अचर, जीवित और जिसमें जीवन नहीं है, जीवन तत्व नहीं है, ऐसी अचर वस्तु जैसे पहाड़ है, पत्थर है, ये अचर कहते हैं। प्राणी है, पक्षी है, मनुष्य है, इनको चर कहते हैं। तो संपूर्ण चराचर सृष्टि के प्रति अपनत्व का भाव यदि है तो हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे क्या? नहीं। अब ये अपनत्व का भाव कैसे उत्पन्न होगा? तो हमारे यहां पर जैसे देवी देवताओं के वाहन, अब जरा इस नजरिए से हम देवी देवता के वाहनों के बारे में विचार करें। विष्णु का वाहन क्या है? भगवान विष्णु का वाहन, जरा बच्चे ज्यादा बताएं, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। शंकर जी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? है ना, सर्प। गणेश जी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? मूषक, चूहा। मां सरस्वती के साथ कौन जुड़ा हुआ है? अब याद करिए, अब मैं ज्यादा नहीं बोलता। अपने कितने देवी देवताओं के साथ, कहीं पक्षी जुड़ा है, कहीं प्राणी जुड़ा है, बहुत सारे हैं। तो अब हम विष्णु को खूब मानेंगे, विष्णु को प्रणाम करेंगे, गरुड़ की उपेक्षा करेंगे क्या? गरुड़ की हत्या करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? विष्णु का वाहन है मूषक, गणेश जी का वाहन है। तो कहीं ना कहीं समस्त प्राणी और पक्षी इनके बारे में ये भी अच्छे हैं, मेरे अपने हैं, ऐसा भाव अनजाने में उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अपना तो मानो, तब उसकी सुरक्षा की चिंता करोगे, उसके प्रिजर्वेशन की चिंता करोगे। अपना नहीं मानोगे तो क्या, विनाश करोगे। और
हम इन जीवों का विनाश करेंगे, इन प्राणियों का विनाश करेंगे, सृष्टि हमारा विनाश करेगी, जो आज वो करना प्रारंभ की है। क्योंकि सृष्टि का बैलेंस यदि बिगड़ता है तो सृष्टि अपने ढंग से उसका हिसाब चुकता कर देती है। वो आज शुरू हो गया, इसलिए वो ओजोन लेयर वगैरह ये सारी जो समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी समस्या आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने इस जीव सृष्टि और अचर सृष्टि के बैलेंस के बारे में नहीं सोचा है। अपने धर्म में अनजाने में, अब कोई साइंटिफिकली नहीं जानता होगा कि ये क्यों है, लेकिन जो जो मान्यता है उन मान्यताओं को मानते हुए जीवन में इन सारी बातों को शत्रु इस रूप में देखने की प्रवृत्ति रहेगी क्या? नहीं रहेगी, प्राणी हो या अब जिसको जीव नहीं है, ऐसे भी प्रतीकों को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गंगा विशेष स्थान है कि नहीं है? या जीवों में भी जो वनस्पति है, जो अभी अभी साइंस को पता लगा है कि वनस्पति में जीवन होता है सर जगदीश चंद्र बसु जी के बाद, उससे पहले साइंस को भी नहीं मालूम था कि वनस्पतियों में जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु जी ने खोजा कि वनस्पतियों में भी जीवन होता है। उस समय तक वनस्पतियों को भी निर्जीव माना जाता था। तो ऐसे जिनको निर्जीव माना जाता है उनके प्रति हमारा अपने धर्म में जो मान्यता है, रीति रिवाज है, उसमें क्या रवैया है? तो नदी, नदी को साधारणतः माता कहा जाता है कि नहीं? कहीं होगा तो अपने लोकल भाषा में मैया बोलेंगे, कहीं अम्मा बोलेंगे, लेकिन नदी जो मुझे जीवन देती है तो उसके प्रति हम कौन सा भाव रखते हैं? अच्छा, लेकिन उसमें से भी गंगा नदी के बारे में विशेष भाव क्यों है हर हिंदू के मन में? हरेक को लगता है कि मेरी मौत के समय मेरे मुंह में गंगा जल होना चाहिए, मान्यता है। तो सारी नदियां पूज्य है, लेकिन गंगा नदी विशेष रूप से पूज्य है। Is there any specific scientific reason behind this? Yes, there is. बाकी किसी भी नदी का जल हम संचित करते हैं, बॉटल में रखते हैं, कुछ समय के बाद वो गंदा हो जाता है, सड़ जाता है। गंगा नदी के जल का ही होता है, बरसों तक लोगों के घरों में वो गंगा जल रहता है। किसी की भी मृत्यु होगी तो मुंह में डालने के लिए चाहिए तो घर में हमेशा रहता है। गंगा जल खराब है, केवल एकमात्र नदी है जिसका जल कितना भी समय संचित रखा जाए खराब नहीं होता। हमारे धर्म में गंगा जल के लिए यानी गंगा नदी के लिए विशेष स्थान है। ऐसा किन किन चीजों का हमारे धर्म में विशेष स्थान है, इसका विचार करना शुरू करेंगे। तुलसी विशेष स्थान है कि नहीं है? बड़, पीपल विशेष स्थान, सारी वनस्पतियों के लिए अच्छे दृष्टि से देखना यह तो है ही, लेकिन कुछ वनस्पतियों के प्रति विशेष पूज्य भाव है। तुलसी की तो हम पूजा भी करते हैं, बड़ की पूजा करते हैं, क्यों है भाई? भाई ओनली तुलसी, भाई ओनली बर्ड, भाई ओनली पीपल, भाई नॉट समदर। क्या भारत में अन्य वृक्ष नहीं है? है, लेकिन जब साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं तो ध्यान में आता है कि जो विशेष गुण जिन्हें हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूज्य माना गया है, उनमें जो विशेष गुण है वो अन्य वनस्पतियों में नहीं है। सामान्य वनस्पति दिन में ऑक्सीजन छोड़ती है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता। जिनका विशेष स्थान है केवल वे ही वनस्पतियां हैं जो रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ती हैं। अब जिन्होंने ये धर्म में के साथ जोड़ा होगा, क्या वो तुक्का है? एक एक पेड़ लेना है तो हमने बड़ का पेड़ ले लिया, इसको पूज्य मान लो जी, ऐसा है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने साइंटिफिकली एनालाइज किया होगा और एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, पाया होगा। और लेकिन साइंस हर व्यक्ति समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। धर्म हर व्यक्ति मानता है, भारत की विशेषता है, धर्म भारत की विशेषता है। तो सबने वह करना चाहिए, जानकर करे या बिना जाने करे, लाभ जो होना है वो तो होने वाला है। यदि तुलसी का पेड़ घर में है तो उससे जो लाभ होना है मुझे उसका वैज्ञानिक कारण मालूम है तो भी उतना ही लाभ होगा, वैज्ञानिक कारण नहीं मालूम तो भी तुलसी से उतना ही लाभ होगा। तो उसको धर्म के साथ जोड़ती है कि धर्म के साथ जोड़ा तो चीज अपने यहां पर सारे समाज में प्रचलन में आ जाती है।
लेकिन विशेष कारण है कि नहीं, साइंटिफिक रीजन है कि नहीं। गाय कितने प्राणी है, जैसे खास करके भैंस, भैंस भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है। कई लोग जो धर्म की खिल्ली उड़ाने वाले होते हैं, बस 5 मिनट बचे मैं देख रहा हूं, चिंता न करें, जो धर्म की खिल्ली करने वाले होते हैं वो कहते हैं अरे गाय से ज्यादा दूध तो भैंस देती है, तो आप गाय को माँ क्यों कहते हो, भैंस को माँ कहना शुरू करो, ऐसी मजाक उड़ाने के लिए कहते कहते कि नहीं कहते। सच्चाई क्या है कि गाय के दूध में और गाय के दूध से उत्पन्न अन्य पदार्थों में जितने औषधीय गुण हैं वैसे अन्य किसी भी दूध में नहीं है। अब भैंस के दूध से बना हुआ घी और गाय के दूध से बना हुआ घी किसी भी जानकार चिकित्सक से पूछ लीजिए, वो बताएगा गाय के दूध से बना हुआ घी अनेक प्रकार की औषधियों में काम में आता है, भैंस के दूध से बना हुआ घी नहीं आता। बाकी सब प्राणियों के जो मलमूत्र निकलते हैं उनका कोई उपयोग नहीं है, केवल मात्र गाय एक ऐसा प्राणी है, गौ परिवार, कि जिसके मलमूत्र के भी अत्यंत गुणकारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम जानते हैं कि गाय के गोबर से लिपाई करते हैं तो कितना जंतु रोगधकता आती है, खाद के रूप में भी सर्वाधिक अच्छा खाद यही माना जाता है। अब आजकल मॉडर्न के जमाने में वो मॉडर्निटी के क्रेज में हम लोग रासायनिक खाद इत्यादि प्रयोग करने लगे हैं, उसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। तो गाय से हमें जो जो मिलता है प्रत्येक वस्तु मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए सारे प्राणी हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन गाय का हमारे धर्म में विशेष स्थान है। सारी नदियां हमारे लिए विशेष है लेकिन गंगा नदी का विशेष स्थान है, सारी वनस्पतियां हमारे लिए विशेष है लेकिन तुलसी बड़ पीपल इनका विशेष, ये सारे आदि कोइंसिडेंसेस। कम से कम जो समझदारी की आयु में बच्चा बच्ची आया है उसके सामने इस रूप में अपने धर्म से जुड़ी हुई बातें बताने का प्रयास करेंगे तो यहां से उसके मन में वो भाव रहेगा, यस आई एम प्राउड टू बी हिंदू। अब ये इस प्रकार की बातें पहले केवल संस्कार के रूप में और फिर जानकारी के रूप में और विशेष रूप से साइंस रिलेटेड साइंटिफिक जानकारी के रूप में हम नई पीढ़ी के सामने उसकी आयु के अनुसार रखते जाएंगे या वैसे उनके सामने आए ऐसी व्यवस्था करेंगे, तब जाकर के नई पीढ़ी जैसी होनी चाहिए वैसी बनेगी। तो ऐसे थोड़ा सा एक छोटा सा विषय ही मैंने आज आपके सामने रखने के लिए सोचा हुआ था, क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं इसलिए मैंने यह विषय आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप समझ सकते हैं कि जितनी बातें आज यहां पर हमने चर्चाओं में लाई हैं, जो आइसबर्ग होता है उसका टिप कितना होता है,